नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सोमवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करते थे और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करते थे। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। 9 महीने के बाद उसके घर अति सुंदर बालक का जन्म हुआ। घर में खुशियां भर आई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्मदिन मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चला गया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजा विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार कर उसे मार न दें, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़ने पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंचा और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब सूर्य उदय हुआ तो मामा मृत भांजे को देखकर रोने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने के विलाप स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती ने भगवान से आग्रह किया, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित हो उठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और मामा को पहचान लिया।
यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा मामा और लड़के को महल ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना, वो दोनों बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पहुँचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू के रूप में राजकुमारी को देखकर उन्हें अपार खुशी हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्रदान किया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार को विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के और भी वीडियोज और व्रत कथाएं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।